फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज आपके लिए लेकर आए हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 999 999 और 9999। आपको किसी भी नंबर को, वन डिजिट हो, टू डिजिट हो, थ्री डिजिट हो, फोर डिजिट हो, इनमें से किसी के भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम आपको ये सिखाएंगे कैसे आप चुटकियों में विद इन टू और थ्री सेकेंड्स आप इसको मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट, देखिए आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज मैं कोई भी एक सिंपल पहले वन डिजिट नंबर ले रहा हूँ, जैसे मैंने फोर लिख लिया है और आपको सबको पता है कि फोर को नाइन से मल्टीप्लाई करके नाइन फोर का मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 36। लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है वो हमारा लॉजिक क्या है कि जैसे ये फोर मैंने लिखा है तो हमने जो भी नंबर यहाँ पर लिखा है उस डिजिट में से एक सब्ट्रैक्ट करना है, वन कम करना है, वो यहाँ लिख देना है नंबर जो आएगा। और जो नंबर यहाँ लिखा गया है उस नंबर को आपने 9 में से माइनस करना है, क्योंकि इस 9 में से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस 9 में से आपने इस 3 को माइनस करना है, तो क्या नंबर आएगा नया 6 और रिजल्ट आ जाएगा 36। देखिए कैसे यही ट्रिक, मैं अगर मान लो सपोज यही नंबर है मेरे पास 4, मैंने इसको 04 लिख लिया है, अब 99 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं क्योंकि 99 में दो डिजिट है, तो मैंने 4 के लिए भी दो डिजिट बना ली है, 0 और 4 लिख लिया है। अब फिर से वही ट्रिक, ये 04 है, आपने क्या करना है इस नंबर में से एक कम करना है, 04 में से एक कम करते ही वो बन जाएगा 03। अब मेरे पास यहां दो डिजिट है 03, आपने इन दोनों डिजिट्स को 9 में से माइनस करना है, यानी 9 माइनस 0 9 और 9 माइनस 3 6, तो रिजल्ट आपके पास आ गया 396। यही सेम टेक्निक, सपोज मुझे इसी 4 को 999 से मल्टीप्लाई करना हुआ तो क्योंकि यहां पर 999 है तो मुझे यहां पर इसके तीन डिजिट बनाने हैं, 004 में लिख सकता हूं और 999 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए वही पहले की तरह जो नंबर यहां लिखा है उसमें से एक कम करना है, सब्ट्रैक्ट 1, तो 0004 में से एक कम करेंगे आप तो क्या बचेगा 0003, ये आपका एक पार्ट आ गया। अब इस 0003 में तीन डिजिट है, आपने इन तीनों डिजिट को 9 में से माइनस करके आगे लिखना है, 9 माइनस 0 9 9 माइनस 0 9 9 माइनस 3 6, तो रिजल्ट आ गया 3996। सिमिलरली यही ट्रिक आप 4 times 9 के साथ भी मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं, और अगर मुझे 4 ही लिखना है तो मुझे यहां पर दो डिजिट हैं, दो जीरो लगाए थे क्योंकि 999 से मल्टीप्लाई किया था, अब 9 4 टाइम्स है तो हमने यहां पर इसको तीन जीरो लगा लेते हैं ताकि ये भी एक 4 डिजिट नंबर बन जाए। अब देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी नंबर यहां पर लिखा है उसमें से एक कम करना है आपने, वो बनेगा 0003, एक कम हो गया। अब हमारे पास यहां पर 4 डिजिट हैं, इन चारों डिजिट को आपने 9 में से इंडिविजुअली माइनस करना है, पहले वाला 09 में से माइनस होगा 9, 9 माइनस 0 अगेन 9, 9 माइनस 0 अगेन 9 और ये 9 माइनस 3 अगेन 6, तो इस बार हमारा रिजल्ट बन जाएगा 3996। देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, अब हम थोड़े से बड़े नंबर ले रहे हैं, सपोज मुझे 73 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, 73 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, दो डिजिट है यहां पर 99 है, दो डिजिट अगर नहीं है तो जैसे हमने पीछे देखा था जीरो लगा के हम दो डिजिट बना सकते हैं, यहां पर ऑलरेडी दो डिजिट है, आपने क्या करना है इस नंबर में से एक कम करना है, 73 माइनस 1 आपके पास आ गया 72, जी हाँ 72। अब 72 में दो डिजिट हैं 7 और 2, आपने इन दोनों डिजिट्स को 9 में से माइनस करना है, 9 माइनस 7 2 और 9 माइनस 2 7, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। देखिए अब मान लीजिए हमारे पास थ्री डिजिट नंबर है कोई, 1 2 7 मैंने लिख लिया है और मुझे इसको 999 से मल्टीप्लाई करना है, थ्री डिजिट है 1 2 7 999 है, तो आपने क्या करना है इस नंबर में से एक कम करना है, 127 में से एक कम होगा तो क्या आएगा 126। अब 126 में हमारे पास तीन डिजिट हैं 1 2 और 6, इन तीनों डिजिट को आपने 9 में से माइनस करना है, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7 और 9 माइनस 6 3। देखा आपने कितना आसान है, कोई कैलकुलेटर भी इतनी फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, आप कैलकुलेटर को भी चैलेंज कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैं एक 4 डिजिट नंबर लिख रहा हूं, सपोज मैंने लिख लिया है 4 3 8 9 लिख लिया है और इसको मैं 4 times 9 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। टेक्निक आपको पता है बिल्कुल वही सेम पहले की तरह,
जो नंबर को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं उससे एक कम लिखना है, तो वो बन जाएगा 4388, 4389 में से एक कम कर दिया, 4388। अब हमारे पास यहाँ चार डिजिट हैं, इन चारों डिजिट को आपने इंडिविजुअली 9 में से माइनस कर देना है। देखिए क्या आएगा, 9-4 5, 9-3 6, 9-8 1, 9-8 1। तो देखिए चुटकी बजाते ही आपका ये आंसर आ गया। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने 45 लिख दिया है और मुझे इसको मल्टीप्लाई अब 9 के साथ करना है, यानी मैंने यहां पर दो डिजिट लिखे हैं और यहां पर एक, तो आपने क्या करना है, 45 एक 9 है तो आपने इसके आगे एक जीरो लगानी है और माइनस यही सेम नंबर इसमें से आप कर देंगे, तो 450-45 405 आंसर आ जाएगा। सपोज यही नंबर आपके पास 245 होता और आप इसको 99 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहां तीन डिजिट है लेकिन यहां पर दो हैं, डबल 9 है, तो आपने क्या करना, 2 times 9 है तो 245 के साथ 2 times आपने जीरो लगाना है, 24500 माइनस और यही सेम नंबर जो आपने यहां लिखा था 245, दोनों को माइनस कर दीजिए आप, देखिए क्या आएगा, 24500 में से आपने 245 माइनस करना है, क्या आंसर आएगा, 24255। एक और कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, देखिए मान लीजिए हमने ले लिया है 745 और मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 9 के साथ, थ्री डिजिट यहां पर है, यहां पर एक है तो आपने वही लिखना है, एक डिजिट 9 है तो आपने एक जीरो लगानी है, इस बात का ध्यान रखना जितने 9 होंगे उतनी जीरो लगानी है और हर बार माइनस सेम नंबर, ये हमेशा सेम रहेगा, इसको भूलना नहीं है। आपने 7450 में से 745 आपने माइनस कर देना है, बस ये आ गया 7450, हमने इसमें से 745 माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो आप फटाफट से माइनस करके रिजल्ट जीरो लिख सकते हैं, 6705। और नया कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, सपोज हमने लिख लिया है 891 और आपने इसको मल्टीप्लाई करना 1 2 3 4, 4 times 9 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने कितने 9s लिखे हैं, 4, तो इसका मतलब आपने इस नंबर 891 के साथ 4 जीरोस लगानी है, यानी 891 1 2 3 4 माइनस और यही सेम नंबर 891। देखिए इन दोनों नंबर्स को हमने 891 के साथ 4 जीरोस लिखे, इसमें से हमने यही नंबर सेम 891 माइनस करना है, तो क्या आंसर आएगा, 8909109, ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कैसे हमने आज किसी भी नंबर को, चाहे 1 digit है 2 digit है 3 digit है 4 digit है, उसको मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, 99 के साथ, 999 के साथ या 9999 के साथ, और वो कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। तो वेदी गुरुज आपके लिए और भी एक्साइटिंग वीडियोस और मजेदार टेक्निक्स लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए आप यूट्यूब से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वेदिक गुरुज आपको बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।